वेलकम टू यूट्यूब चैनल नायरा आर्ट। आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को टेम्परा कलर से बेहतरीन ड्राइंग, जो बड़े और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये मात्र 20 रुपये में टेम्परा कलर मिलती है और इससे अच्छे से अच्छा ड्राइंग बनाया जा सकता है। तो टेम्परा कलर और ब्रश जो साथ में ही आता है, एक पेंसिल लेना है, टिश्यू पेपर और थोड़ा सा पानी लेना है ब्रश को धोने के लिए, टिश्यू पेपर से ब्रश को पोंछने के लिए, और एक बर्तन ले लेना है जिसमें कलर को मिक्स करने के लिए। तो हमने ले लिया है ब्लू कलर, और इस कलर में रेड कलर को ऐड करेंगे। रेड कलर और ब्लू कलर को मिक्स करके पर्पल कलर तैयार किया जाएगा, जो कि बैंगन में, ब्रिंजल में कलर, बैंगनी कलर का, पर्पल कलर का दिखाई देगा। दोस्तों और बच्चों, खास करके ये बच्चों के लिए वीडियो है, जो बच्चे टेम्परा कलर का यूज सही से नहीं करना जानते हैं उसके लिए, और छोटे से छोटे ड्राइंग आर्ट और पिक्चर से अपनी स्टार्टिंग कर सीख सकते हैं। तो फिर मैंने एक ग्रीन और ब्राउन, हरा और भूरा रंग को मिक्स करके एक और कलर तैयार किया है। अब आइए, नायरा आर्ट फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। और ये पेंसिल से मैंने पहले बैंगन का शेप बनाया है, बहुत ही इजीली है, बच्चे ध्यान से देखें, बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने जा रहा हूँ। और ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैंने छोटे से स्टार्ट किया है, ताकि स्टार्टर जो भी है उसे सीखने में आसानी होगी। धीरे धीरे वीडियो को मैं अपग्रेड करता जाऊंगा, और टेम्परा कलर हो, ऑयल पेस्टल हो, स्केच कलर हो, पेंसिल, पेन, ये सारे ट्यूटोरियल से धीरे धीरे नया नया वीडियो अपलोड होते रहेगा। वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपना प्यार और साथ का ज़रूरत है आप लोगों का, अपना प्यार बनाए रखें। और ये कलर जो ग्रीन और ब्राउन को मिक्स करके जो बनाया था, ये कलर बैंगन की डंटी, जिसे हम कह सकते हैं, इस पर कलर फ्लफ कर दिया है हमने। अब इस पर बैंगनी कलर, जो कि ये फुल बैंगनी शायद नहीं हुआ है, और बता दूँ ये पेपर जो है ना, ये पेपर नॉर्मल सा पेज कॉपी का, बच्चे के कॉपी का, नोटबुक का पेज है। इस पर टेम्परा कलर शायद सही से यूज़ भी ना हो पाए, क्योंकि पेज में पानी के अंश आ जाते हैं, जिससे पेज भींग जाते हैं और फूलने का डर रहता है। तो मैं रिकमेंडेड करूँगा, मैं सलाह दूंगा कि चार्ट पेपर पे या फिर कोई हार्ड पेपर पे टेम्परा कलर से कलर करने से बेहतर होगा। तो बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि पेज बर्बाद, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसमें कर सकते हैं, और कलर थोड़ा हल्का हल्का करें तो सीखने के लिए बेहतर है। और ये बैंगन पर कलर लगभग लगभग हो चुका है पूरा। दोस्तों, धीरे धीरे डेवलप होता है हर चीज़, तो मेरा YouTube चैनल भी डेवलप आप लोगों की प्यार और दुआ से चाहता हूँ हो, और आप लोग सीखे भी।
बड़े हो या बच्चे हो, जहाँ चाह है वहाँ राह है। थैंक यू योर फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।